वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं गुरकीरत कौर आज आपसे शेयर करने वाली हूँ वो 7 ग्रुप डिस्कशन के टिप्स और उसके साथ साथ में वो सेंटेंस ओपनर्स जिसको यूज करके आप अपने पर्टिकुलर इंटरव्यू में अपने एसेसर को इम्प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इकट्ठा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इसका बेसिक मोटिव होता है कि 10, 12, 15, 20 जितने भी मेंबर्स ग्रुप में होते हैं उनके व्यूज कैसे आते हैं और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ग्रुप में बिहेवियर कैसा है। अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या वो हाइपर हो जाता है, या फिर अपनी बात को कन्विंस कराने के लिए दूसरों को किस तरीके के पॉइंट्स को डिलीवर कर रहा है, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उस व्यक्ति को कितनी इन्फॉर्मेशन है, एंड मोर ओवर वो यही जानने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि फौज में आपको टीम वर्क में रहना होता है, राइट। चाहे फौज हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, यू हैव टू वर्क इन अ टीम, एंड क्या आप एक टीम में की रोल प्ले कर सकते हैं, यही से इसका पता चल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। सबसे पहला काम होता है इनिशिएट करना। बार बार आपको यही बताया जाता है कि ग्रुप में जीडी में अगर आप इनिशिएट कर लें, फर्स्ट स्पीकर सेकंड स्पीकर रहे, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आप डाल देते हैं असेसर के ऊपर। अब करना कैसे इनिशिएट है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इनिशिएट करने के लिए सबसे पहला काम है अलर्टनेस रखनी है। जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है स्टार्ट, यू हैव टू यू नो हैव दैट अलर्टनेस कि आप तुरंत स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट आप तभी कर पाएंगे जब आपको उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या काम है कि अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, और जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पढ़ के जाएं, थोड़ा सा ज्ञान लेके जाएं। अब स्टार्ट कैसे करना है, अगर ज्ञान भी है आपके पास तो या तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफाइन कर सकते हो। अगर मान लीजिए टॉपिक है 3rd wave of COVID-19 इन इंडिया, अब आपको एटलीस्ट टॉपिक के बारे में पता हो, या तो आप थर्ड वेव को डिफाइन कर दे या फिर यहाँ पे आप कोविड को डिफाइन कर दे, राइट। या फिर एक सेकंड नंबर पे आप काम कर सकते हैं फैक्चुअल डेटा देने का। डेटा दे, लेकिन डेटा बहुत एक्यूरेट होना चाहिए जब भी आप फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे हैं, जो अगेन आप जब ओपन करेंगे अपने जीडी में तो लोग सुनेंगे, बिकॉज आपके पास में नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। या फिर आप शुरू करने के लिए कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन आई फील सो, कुछ इस तरीके से, या फिर इन टुडेज वर्ड से आप बिगिन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इनिशिएट करिए। नंबर 2, अब ग्रुप डिस्कशन में आपने इनिशिएट तो कर लिया, लेकिन इनिशिएट करने के साथ साथ में ग्रुप में आपको एक यू नो हेल्दी यू नो बिहेवियर दिखाना है, जहाँ पे आपको कुछ लोगों की बातों से एग्री भी होना है, डिसएग्री भी होना है। अगर हम बोले एग्री होने के लिए, तो एग्री होना भी जरूरी है क्योंकि कुछ लोग जो आपके पॉइंट्स आपके फेवर में बात कर रहे होंगे उनसे अपना कॉन्सेंट देना जरूरी हो जाता है। तो उस केस में आप कैसे अपना यू नो पॉजिटिव कॉन्सेंट उनको दे सकते हैं, तो वहां पे आप ये बोल सकते हैं, यस चेस नंबर आई एग्री विद यू, ठीक है, आई फील द सेम। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आप यू नो चेस नंबर बोल के, जो भी चेस नंबर है 10, 20, 15, क्योंकि अगर आप फौज के इंटरव्यूज जाएं तो वहां चेस नंबर्स होते हैं, और अगर आप किसी सिविल इंटरव्यू में जाते हैं वहां पे डियर फ्रेंड करके आप अप्रोच कर सकते हैं और उनको कुछ ऐसे बोल सकते हैं, आई एग्री विद यू, आई फील द सेम करके, ठीक है। टिप नंबर 3, एग्री हो रहे हैं तो डिसएग्री भी तो होंगे ना किसी के साथ में, लेकिन जब भी आप डिसएग्री हो रहे हैं तो अपने कंट्रोल करने हैं इमोशंस को, बहुत ज्यादा हाइपर नहीं हो जाना है कि आपका जो पॉइंट है वही सही है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर देना। जब आप डिसएग्री हो रहे हैं तो वहां पे कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मत दीजिए जो कि पॉलिटिकल हो, जो कि रिलीजियस हो, जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। कंट्रोल करते हुए इमोशंस को आप कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, आई थिंक डिफरेंटली, यहाँ पे आपने नो भी नहीं बोला और साथ ही साथ में अपना डिसएग्रीमेंट भी शो कर दिया, जो कि अगेन एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है, राइट। कैसे, आई थिंक डिफरेंटली, या फिर आप बोल सकते हैं, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू से, कुछ ऐसे करके आप अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। अगला पॉइंट, अब अगले में आता है इंटरप्शन। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी आप शांत होते हैं और आपको समय नहीं मिल रहा है कि मैं कब बोलूं, तो पहली बात तो उस एक मिली सेकेंड का वेट करना है जैसे ही सारा ग्रुप शांत हो, और आप वहीं से अपनी हल्की सी वॉइस को रेज करते हुए अपना पॉइंट रखें। लेकिन उस पॉइंट को रखने के लिए अगेन उस एक मिली सेकेंड का वेट करते हुए आप अपने फ्रेंड्स को, जो आपके ग्रुप मेट्स हैं, उनको कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू एड वन पॉइंट, ठीक है। या फिर आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो, फ्रेंड्स मे आई स्पीक,
दिस पॉइंट, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली कंडीशंस को समझते हुए अपने पॉइंट्स को रख दीजिए, या फिर अगर आपको किसी को इंटरप्ट करना है तो आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई वॉन्ट टू यू नो से दिस थिंग, तो ऐसे करके भी बोल सकते हैं। आगे आते हैं अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ग्रुप में जिससे हम पार्शियली एग्री होते हैं, आधा एग्री आधा नहीं, यानी 50-50 कंडीशन होती है। तो वहां पे अगर हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं या कुछ हेल्दी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो वहां पे आप कैसे यूज कर सकते हो सेंटेंसेस, आई एग्री बट, यू आर राइट बट, तो इस तरीके से आपने उसको भी गलत नहीं बोला और अपने पॉइंट को भी रखने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अब कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के पॉइंट से सेटिस्फाइड होते हैं लेकिन हमें लग रहा है कि अगर 2-3 पॉइंट हमारे भी ऐड हो जाएं तो ये पॉइंट एकदम वर्थफुल हो जाएगा। अब करें कैसे, अगर आपने ये सोचा कि चलो पहले इसको बोल लेते तो मैं दोबारा से फिर पूरा रिपीट करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर बोरिंग लगेगा, ऐसे लगेगा आपने किसी का कॉपी पेस्ट किया है। तो वहां पे पूरे को दोबारा नहीं रिपीट करना है, आप बोल सकते हैं चेस नंबर सो एंड सो, जो भी चेस नंबर हो, या डियर फ्रेंड, ठीक है, यू आर करेक्ट, आई वुड लाइक टू ऐड 2 पॉइंट्स इन वॉट एवर यू आर सेइंग, ठीक है, कुछ ऐसे करके आप अपने पॉइंट्स ऐड कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड, यस आई एग्री विद यू बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर 2 मोर पॉइंट्स दैट आई फील आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट, तो ऐसे करके आप जो है इस सेंटेंसेस को यूज करके अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। अब किसी भी ग्रुप डिस्कशन में बहुत जरूरी होता है कंक्लूजन, अगर आपको बोला जाता है एसएसआर के द्वारा कि कंक्लूड करना है टॉपिक, तो कंक्लूड करने के लिए सबसे पहली बात, तो अगर ग्रुप ने आपको चूज किया है, वेल एंड गुड, अगर तो कुछ ऐसा चॉइस होता है, समटाइम्स चॉइस नहीं होता है, या फिर आपके एसएसआर आप ही को यू नो एलोकेट कर दें कि चलिए आप दीजिए ग्रुप के बेसिस पे कंक्लूजन, तो वहां हमेशा ध्यान रखिए कि सबके पॉइंट्स लीजिए, अपने पॉइंट्स सिर्फ अकेले नहीं बोलने हैं, ये बहुत जरूरी है। तो वहां पे आप कैसे बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कंक्लूड एज पर द डिस्कशन विद ऑल माय फ्रेंड्स, आई वांट टू स्टेट सो एंड सो पॉइंट्स। अब उन सो एंड सो पॉइंट्स में आप सबके कोई ना कोई पॉइंट्स आप रख लीजिए, जिससे कि वो लोग भी सेटिस्फाइड हो, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले, ग्रुप भी हैप्पी हो, प्लस एक यू नो हेल्दी जो कंसेंसस है आपके ग्रुप का वो भी निकल के आए। होप ये 7 टिप्स आपके लिए काम की रहेंगी, और ये जो 7 टिप्स में मैंने ओपनिंग सेंटेंसेस दिए हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल प्रूफ होंगे। तो अब अगली बार आपकी एसएसबी हो, आपका इंटरव्यू हो, आपकी एफओस की जीडी हो, व्हाटसोएवर, आप इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके देखिएगा एंड फील द चेंज। थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। एज यू ऑल नो आई गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम एफएसबी गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 एसएसबी बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए 145 कोर्स एंड आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 11 एसएसबी इलाहाबाद। आई गॉट रिकमेंडेड इन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।